आसुचि आउ एक लघुचाप 48 घंटे लघुचाप रूप नहीं पारे घूर्णी बलय 4-5 दिन भितर स्पष्ट हेब चित्र दक्षिण ओडिशा उत्तर आंध्र मुहा हेबा संभावना पाणीपाग केन्द्र सूचना अनुसार उत्तर आंडामान सगर और तार पार्श्वर्ती अंचल में घूर्णी बलय सृष्टि होई वायुमंडल में समुद्र पतन ठार 3.1-5.8 किलोमीटर मध्य सक्रिय रही जहां प्रभाव में आगामी 48 घंटा मध्य अंचल में गोटे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवार संभावना रही परवर्त समय संभाव्य लघुचाप क्षेत्र घनीभूत होब 4-5 दिन जाए यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे दक्षिण ओडिशा एवं उत्तर आंध्र उपकूल मुहा होगा संभावना रही। कविता स्वाई आम भुवनेश्वर रिपोर्टर बाबद्रे आलोचना आम सहित जोड़ कविता लघुचाप को नहीं जो संभावना देखा दे जदि 48 घंटा मध्य लघुचापर रूपरेख स्पष्ट किंतु वर्तमान समय यह बाबद्रे कौन सूचना आसुची कविता कि उत्तर आंडमान सगर और तार पार्श्वर्ती अंचल में गोटे घूर्णिमय सृष्टि होती जहां समुद्र पतन ठार 3.1-5.8 किलोमीटर मध्य सक्रिय रही आगामी 48 घंटा मध्य लघुचाप रूप नेबार जहां संभावना रही आंचलिक पापाग विभाग जहां 9 बेले जो बुलेटिन आसवा कथा से ही समय स्पष्ट करवर्त समय यह लघुचाप क्षेत्र की घनीभूत हुई यह 4-5 दिन जाए पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करपकूल मुहा हे बोली जहां संभावना रही कत्या आशंका कि बर्तमान पर्यटन किसी स्पष्ट कराई ना कहीं आम गोटे कथा कहीपर जितेबाला सेप्टेम्बर मस कथा जितने बुलाला बात्या से समय ओडिशा पर विशेष प्रभाव देखा मिल ना क्षय क्षति विशेष हो ना यह सह जो कह अक्टोबर मस कथा जितेबाला अक्टोबर मस आसे और लघुचाप सृष्टि है विशेषकर यह जो बात्यार रूप नहीं था जहाँ कहुए आंचलिक पापाग विभाग पक्ष कहुए कि बात्यार रूप नहीं था आतेबाला अक्टोबर मस आसे विभिन्न ओडिशा विभिन्न बात्यार सामना करमती महावात्या कथा कहतु तितली कथा सबको सामना करशा कि जो लघुचाप सृष्टि होती रूपरेख कौन रहा स्थिति कौन रहा बर्तमान पर्यटन स्पष्ट होना जदि कौन हो तार आगामी जो अपडेट आसो प्रत्यय होगी आम कहीपर ओके आगामी स्पष्ट चित्र आसिले ही स्पष्ट हो पार जे वास्तविक लघुचाप प्रभाव कौन रेव क्यों जिले में अधिक वर्षा हेब ए कौन स्पष्ट चित्र आसूर नजर रही पाणीपाग विशेषज्ञ जे आकलन करे कौन वास्तविक यार रूपरेख रते प्रभाव पक आउ 48 घंटा मध्य स्पष्ट चित्र सामना को आसीपे बहुत बहुत धन्यवाद कविता स्वाई आम भुवनेश्वर रिपोर्टर पाणीपाग संपर्कित अपडेट दूसरे।